हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फिटनेस माय फ्रेंड। आज का ये वीडियो वर्कआउट के बाद में हम लोग जो स्ट्रेचिंग करते हैं, जितनी वर्कआउट के पहले वार्म अप करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही वर्कआउट के बाद में स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वार्म अप क्यों करते हो, मतलब बॉडी लूज हो तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है आपको। वर्कआउट के बाद में भी तो कुछ होना चाहिए, वर्कआउट के पहले वार्म अप है तो वर्कआउट के बाद में भी कुछ होना चाहिए, तो उसे बोलता है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। और ये वीडियो भी मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है, उनका नाम है पटेल सागर। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर प्लीज प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग दिखाओ। तो पटेल सागर जी, मैं आपको प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग बाद में दिखाऊंगा, ये वीडियो में आप देख लो कि पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग कितने होते। तो ये वीडियो में मैंने आपको 6 पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग दिखाया है। 6th one आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उसे 6th one में मशीन है एंड बाकी के स्टार्टिंग के 5 रिकमेंडेड है, मतलब वो करना कंपलसरी है स्टार्टिंग के 5, क्योंकि उसमें मशीन इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला वाला है। पहला वाला देखने से पहले कुछ रूल्स है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग के। देखो, अभी ये जो आफ्टर वर्कआउट जो आप स्ट्रेचिंग करोगे, वो हर स्ट्रेचिंग आपको 3 सेट करनी है, और जो हर सेट होगा उसे 10-10 सेकेंड के लिए आपको एक्सरसाइज होल्ड करके रखनी है। मतलब आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग कभी भी होल्ड की जाती है, एंड वो कभी भी खुद से होल्डिंग और खुद से होल्ड नहीं करनी है, और किसी फ्रेंड को भी होल्ड कराने नहीं लगाना है, वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के होल्ड करनी है, वो आपको दिख जाएगा अभी वीडियो में। तो हर सेट में आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारी फर्स्ट स्ट्रेचिंग है स्पाइरल फेशिया स्ट्रेच, उसका नाम भी आपको लिख के नीचे आ जाएगा। ये एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से देख लो, ये थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग, आपको प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहली बार आपको राइट पैर लेना है, लेफ्ट में रखना है, राइट पैर उठाया तो राइट में ही आपको जाके स्ट्रेच करना है, एक हाथ पूरा पीछे एंड दूसरे हाथ से आपको स्ट्रेच करना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाता हूँ, आपका लेफ्ट साइड का पैर राइट में रखा, लेफ्ट साइड का पैर उठाया तो लेफ्ट में आपको घूमना है। ये आपको प्रैक्टिस करके ही समझेगा, क्योंकि ये मोस्टली जब करने जाओ तो देख के रॉन्ग करते हैं पब्लिक। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट पैर उठाओ अपना, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कुछ, राइट पैर लेफ्ट में रखो, फिर एक हाथ जो दूसरा हाथ है वो पूरा पीछे रखो, और एक हाथ से जितना स्ट्रेच हो के उतना ही करना। अगर आप ये स्ट्रेचिंग पहली बार करने ले रहे हो तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि पेन होने के चांसेस होते हैं। तो लेफ्ट पैर लिया, एक हाथ पूरा पीछे, अभी देखो ये हाथ से जितना स्ट्रेच हो उतना ही स्ट्रेच करना, और होने के बाद थोड़ा रिलैक्स होना। अभी मैं आपको सेकेंड स्ट्रेचिंग दिखाता हूँ। सेकेंड स्ट्रेचिंग है यहाँ पे एंटीरियर फेशिया स्ट्रेच। अभी वो कैसे की जाती देखो, एंटीरियर फेशिया स्ट्रेच ये सब लोग को नहीं जमती। तो सबसे पहले आपको पैर फोल्ड करना है अपना, स्टेप बाय स्टेप करना है, हाथ पीछे लेना है, और ये स्ट्रेचिंग देखो पूरा माउंटेन शेप बनता है आपका। और ये कंफर्टेबली देखो, आपके टो पे भी देखो कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आपको हिप उठाना है, सेकेंडली आपको अपना चेस्ट उठाना है, एंड लास्टली आपको टो उठाना है। और ये देखो, ये फिर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। ये जो स्ट्रेचिंग है ये सब लोगों को नहीं आती, और ये स्ट्रेचिंग डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बिगनर हो और प्रैक्टिस करोगे, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीने तक आपको ये मेरी तरह कंफर्टेबली आ जाएगा। तो रखने का भी एक स्टाइल होता है, चेस्ट रखो, हिप रखो, हाथ रखो, पैर स्ट्रेट करो और दूसरे साइड से उठो, सीधा उठना नहीं। अभी देखो, कुछ ब्रीथिंग करो, थोड़ा रेस्ट लो, हर सेट के बाद में आप 20-30 सेकंड रेस्ट ले सकते हो। अभी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, कंफर्टेबली हर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कंफर्टेबली करना है। सोना है पहली बार, एक एक करके पैर ऊपर लो, फिर आपको हाथ पीछे से देखो कैसा रखा है मैंने, फिर सेकेंडली आपको अपना चेस्ट उठाना होगा, हिप उठाना है, बाद में चेस्ट उठाना है आपको सेकेंडली, एंड लास्टली जाके आपको टो उठाना है, और यही कंडीशन पे आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। ये स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसका नाम है एंटीरियर फेशिया स्ट्रेच, और आपको 10 सेकंड होल्ड करके रखना है इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कोई कर लेते हैं लेकिन 2-3 सेकंड ही कर लेते हैं। और बिगनर हो, अगर ये एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर करके ही करना, स्टार्टिंग में करने नहीं जाना, क्योंकि आपको पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग दिखाता हूँ, जिसका नाम है आर्म लाइन फेशिया स्ट्रेच, मतलब जिस स्ट्रेचिंग हाथ की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाथ को कैसे स्ट्रेच किया। किसी भी चीज को होल्ड करके रखना और अपने बॉडी को एक तरफ ढकेलना, ये एक साइड का दिखा रहा हूँ, और आपको मैं फिर आपसे दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर एक टिप देना चाहूंगा, किसी भी दूसरे
लड़के को ये और ट्रेनर को ये करवाने नहीं लगाना, क्योंकि उसको पता नहीं कि अपनी बॉडी कितनी स्ट्रेच होगी। आपको सिर्फ हाथ स्ट्रेच करना है और देखो बॉडी को एक साइड जितना हो सके उतना ही स्ट्रेच करो। ज्यादा पहले हफ्ते में अगर नहीं किया है तो ज्यादा स्ट्रेच करने नहीं लेना। तो ये था स्ट्रेचिंग। अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, जिसे बोला जाता है लैटरल फेशिया स्ट्रेच। ये भी स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी भी है करना। सब एक्सरसाइज होल्ड करके करना। अभी देखो यहाँ पे मुझे कोई होल्ड करने के लिए मिला नहीं चीज, तो मैंने सिंपली ऐसे पकड़ लिया। लेकिन आपको सिर्फ होल्ड करके करना है। और अब पैर देखो, अभी नीचे दिखाता हूँ, पैर वही जगह पे रहेंगे और बॉडी को एक साइड ढकेलना है पूरा। और ये भी 10 सेकंड करना है। थोड़ा ब्रीथिंग करो, थोड़ा रेस्ट लो, घूमो फिरो, फिर वापिस दूसरे जगह दूसरे साइड में करो। देखो अभी होल्ड करने के लिए मुझे एक ऑप्शन है वहां पे, वो जो स्ट्रिप दिख रहे विंडो के, तो उसको मैंने अभी पकड़ लिया वहां पे। एंड बॉडी को पूरा एक साइड ढकेलना है, वो भी पूरा 10 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। इसे बोला जाता है लेटरल फेशिया स्ट्रेच। ये सारे स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिफ्थ टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, जिसे बोला जाता है पोस्टीरियर फेशिया स्ट्रेच। ये स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये वर्कआउट वार्म अप में किया जाता है, लेकिन आफ्टर वर्कआउट इसे कैसे करेंगे, बस आपको होल्ड करके रखना है। इसे टो टच भी हम लोग बोलेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, आपका जो नी है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, और जितना नीचे जा सकते उतना ही जाओ। नी स्ट्रेट रखना है, सिर्फ आपको एक कंडीशन है। पूरा टच नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन नी स्ट्रेच करके आपको स्ट्रेट करके टच करना है, और ये 10 सेकंड होल्ड करके रखना। सिक्स एंड लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये मशीन सब जिम में अवेलेबल नहीं होती, हमारे जिम में अवेलेबल है। तो अब ये मशीन नहीं है तो मत करो, स्टार्टिंग के 5 ही रिकमेंडेड है, ये 6th वन एक्स्ट्रा है। देखो ये मशीन है, इसके पैंडल पे आपको पैर रखना है, बाद में आपको पूरा ये एल्बो ये नीचे पूरा रेस्ट रखना है, पैर पूरा उसके ऊपर हाथ से कंफर्टेबली पकड़ना और कंफर्टेबली बैठना है, और स्लोली 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 आपको पीछे जाना है। अगर ये पहली बार भी कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेचिंग पहली बार कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट पहली बार कर रहे हो, तो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, अनकंफर्टेबली पीछे जाओ, 10 सेकंड होल्ड करके रखो। देखो होल्ड करके रखा है, और ये उस स्ट्रेचिंग में देखो पूरा आर्म लाइन, पूरा हाथ का स्ट्रेचिंग हो रहा है, पूरा बैक का स्ट्रेचिंग हो रहा है, और कंफर्टेबली भी आगे आ जाओ। थोड़ा देर रेस्ट करो, थोड़ा ब्रीथिंग करो। अभी मैंने ज्यादा देर रेस्ट करके दिखाया नहीं, लेकिन आप 20, 30 सेकंड, 40 सेकंड रेस्ट किया करो हर सेट के बाद में, और हर सेट आपको 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। और ये देखो ये कैसे स्ट्रेच करना है, पूरा हाथ पकड़ना है आपको और कंफर्टेबली पीछे आना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, एंड स्लोली स्लोली जितना पीछे स्लोली गए थे उतना ही स्लोली आपको आगे आगे आना है। तो ये थी 6 टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो स्ट्रेचिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन ये वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। जो अगर देखो फ्यूचर में आपको कोई इंजरी होने के चांसेस है, तो वो स्ट्रेचिंग करने से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके मसल्स भी एक हद तक, और आपके मसल्स के साइज ग्रो होने के भी बहुत फायदे होते हैं आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग के। एंड ये आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग मोस्टली सबको नहीं पता, क्योंकि ये मोस्टली ट्रेनर्स नहीं बताते, और खुद को भी उनको कभी कभी पता नहीं होता, लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रेनर को पता होता है कि आफ्टर जितना प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग, जिसे वार्म अप भी बोला जाता है, उतना ही आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ये करोगे आपके साइज गेन, मसल ग्रोथ, स्ट्रेस रिलीफ एंड फ्यूचर में इंजरी के चांसेस कम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, आपको भी अगर कोई क्वेश्चन है, आपको भी कुछ मुझे पूछना, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करो, एंड और सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जाते जाते वही 3 चीज़ बोलूँगा, ऑलवेज बी हेल्दी, ऑलवेज बी स्मार्ट, एक स्मार्टली चीज़ों को देखो और स्मार्टली चीज़ों एक्सरसाइज करो, एंड ऑलवेज बी सेफ वाइल डूइंग योर एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।